राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा में आज चर्चा कुंभ वालों की करेंगे, एक्वेरियस की, कि ये राशि परिवर्तन कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा। बृहस्पति दोस्तों आगामी आने वाली 11 अक्टूबर 2018 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 5 नवंबर 2019 तक लगभग 13 महीने वहीं रहने वाले हैं। अभी तक तुला में चल रहे थे ये, तो इनकी स्थिति कमज़ोर थी, शत्रु राशि होती है बृहस्पति के लिए ये। अब अपने परम मित्र मंगल की राशि में ये जाएंगे तो मजबूत स्थिति इनकी होने वाली है। गोचर, राशि परिवर्तन, ट्रांजिट, ये सब दोस्तों एक ही चीज़ होती है। गोचर का मतलब है कि आज जो ग्रह हैं वो आकाश मंडल में किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, आज की स्थिति क्या है। जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसमें जो ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं वो स्थायी होती हैं, फिक्स्ड हमेशा के लिए। आपकी जन्म कुंडली से जो विभिन्न संकेत मिलते हैं आपके जीवन के बारे में, जैसे कि आपका संतान पक्ष कैसा रहेगा, विवाह कैसा रहेगा, कैरियर, शिक्षा, इन सब संकेतों के घटने के समय को गोचर के अध्ययन से निकाला जाता है, महादशा के साथ, महादशा और गोचर के अध्ययन के संयुक्त अध्ययन से उन जो घटनाएं हैं उनके घटने का समय निकाला जाता है। तो बृहस्पति की गोचर में मजबूत स्थिति का कैसा फर्क कुंभ वालों पर पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर बृहस्पति की स्थिति आपके जन्मांक में मजबूत है तो इस मजबूत बृहस्पति का पूरा फल आपको मिलेगा, अगर वो कमज़ोर है आपकी जन्म कुंडली में तो इसका फल ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा अगर कुंडली में महादशा या अंतरदशा में भी गुरु चल रहे हैं तब भी इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। कुंभ लगन और कुंभ राशि यानी कि मून साइन और असेंडेंट दोनों से इसको देखा जाना चाहिए। अगर आपके लगन में ही चंद्रमा है यानी कि लगन और चंद्र राशि दोनों सेम है, एक ही है, तब भी इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। गुरु दोस्तों नैसर्गिक रूप से आपकी धार्मिकता के, आपके आचरण के, आपका संस्कार, आपका शिक्षा का पक्ष, वैवाहिक जीवन की मधुरता, संतान पक्ष, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इनके कारक हैं। कुंभ दोस्तों वो होता है जब आपके पहले भाव में यहाँ पर 11 नंबर लिखा होता है, तो ये कुंभ वालों की कुंडली बनती है। कुंभ वालों के लिए गुरु धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, बहुत मूल्यवान ग्रह हैं। जहाँ पर भी गुरु का प्रभाव जाता है वो चीज़ें मूल्यवान हो जाती हैं, यानी कि उस भाव से, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों की वैल्यू में ये वृद्धि करते हैं। और ऐसे मतलब कि दो मूल्यवान भावों के स्वामी होकर गुरु अब वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके दशम भाव की राशि है, यहाँ पर जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। दशम भाव होता है दोस्तों आपके लिए कैरियर का, आपकी यश मान सम्मान का, आपकी तरक्की का, आपकी रेपुटेशन, ये सब चीज़ें दशम भाव से देखी जाती हैं, तो इसकी वृद्धि होगी। धनेश और लाभेश दशम भाव में गोचर करेगा, तो नौकरी या व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनती है। इस वक्त आप नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, अपने जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसका एक्सपेंशन, उसका फैलाव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन भी हो सकती है। जो जो कुंभ वाले सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनका वो प्रयास भी सफल हो सकता है इन 13 महीनों के दौरान, 11 अक्टूबर से 5 नवंबर 2019 के बीच में। अब दोस्तों गुरु की सेकेंड हाउस पर स्वग्रही दृष्टि है, सेवन्थ हाउस पर भी दृष्टि है, सेवन्थ दृष्टि है फोर्थ हाउस पर, और छठे घर पर 9वीं दृष्टि है जो कि उच्च की दृष्टि है। तो फोर्थ हाउस पर यानी कि 7वीं दृष्टि जाने पर माँ, घर, इनसे संबंधित चीज़ों में परिवर्तन आपको दिखाई दे सकता है। यानी कि माँ का अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। नया घर इस दौरान आप ले सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। और छठे घर पर उच्च की दृष्टि होने से अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, तो वो इस वक्त आपको मिलने की प्रबल संभावना है, वो मिल जाएगा। शत्रु विजयी, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी बहुत उत्तम समय है। अगर आपका कोई कोर्ट केस, कोई लीगल चीज़, कानूनी अड़चन अगर चल रही है तो वो विवाद भी अब सुलझने की मतलब का अगर आप प्रयास करेंगे तो सुलझ जाएगा, लाभ की स्थिति बनती है उसमें भी। इसके अलावा लग्नेश आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, और अब जो धनेश हैं वो यानी कि जो कुटुंब का घर है, दूसरा घर, उसके मालिक दशम भाव से गुरु स्वग्रही दृष्टि से यहाँ पर दृष्टि डालेंगे सेकेंड हाउस पर, तो विवाह का योग भी बनता है, विवाह होना भी संभव है। इसके अलावा सेकेंड हाउस कुटुंब का है, अगर आपका कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है, कोई वसीयत का या कोई भी किसी तरीके का, तो वो भी इस वक्त सुलझने की प्रबल संभावना है। लाभदायक स्थिति बनती है, मान सम्मान को बढ़ाने वाली।
अहंकार से आपको इस वक्त बचना चाहिए, वाणी का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अहंकार ना करें। और कोई भी जो आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो बड़े बुजुर्गों को शामिल करने से गुरु की प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आप निर्धन को अगर शिक्षा प्राप्ति में मदद करते हैं तब भी गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा फल आपको देंगे। इसके अलावा आप गुरु के मंत्रों का भी हर रोज़ सुबह जप कर सकते हैं, लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। कुल मिलाकर कुंभ लगन वालों के लिए कुंभ राशि या कुंभ लगन दोनों से अच्छा समय है आपके लिए। बृहस्पति का राशि परिवर्तन बृहस्पति की तरफ से शुभ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।